अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद महताब साजदैन। कैसे हैं जी आप सब? आई हो सब ठीक ठाक होंगे, मज़े होंगे, खुश पाश होंगे। सबसे पहले जी चैनल को सब्सक्राइब कर दें महताब साजदैन जी। आज है शॉपिंग हॉल, चेज़ वैल्यू से शॉपिंग की थी, उसका आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करें। चलते हैं तो वीडियो देखते हैं। तो ये हम जहाँ पहुँचे चेज़ वैल्यू, जैसे चेज़ वैल्यू पहुँचे हैं जी, मैंने जो टशन टशन करके जो है वीडियो स्टार्ट की, वीडियो जैसे ही हम लोग इंटर होते हैं तो ये शूज़ का कॉर्नर आ जाता है। जैसे ही हम मैंने वीडियो स्टार्ट की जी, जी इनके सेलमैन आ गए जी, बंद करें वीडियो। सो वहीं पे हम लोगों का कैमरा हो गया बंद। ये जब कहते हैं चेज़ वैल्यू, उन लोगों ने तो वीडियोस नहीं बनाने दी, अब वहाँ पे वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ इनकी शॉपिंग शेयर की जाए। चेज़ वैल्यू कहते हैं कि हम लोग जो हैं वो सुपर होलसेल हैं, लेकिन होलसेल के नाम पे धब्बा है ये लोग। हाँ यकीनन सही कह रही हूँ मैं, बिल्कुल भी चीज़ें बेशक इनकी अच्छी हैं नो डाउट, लेकिन होलसेल अगर ये लोग कहते हैं ना कि भाई हम लोग होलसेल रेट पर देते हैं, तो वो ये बिल्कुल फेक बात है। होलसेल वाले अगर हों ना तो ये कभी भी जो है ना वो कभी भी ये ना कहें कि भाई हम लोग जो है वो वीडियो अलाउ नहीं कर रहे हैं। अगर इनकी इतनी ही ज़बरदस्त प्राइस है तो ये वीडियो ज़रूर हर एक को बनाने दें। खैर मैं वहाँ वीडियो बना रही थी तो उन लोगों ने आके मना कर दिया कि भाई यहाँ वीडियो अलाउ नहीं है। तो ये देखें, ये है स्लेट है और लिखते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे जो है ना वो मिट जाता है। तो ये हम लोगों को मिलती 550 रुपीज़ की, ये जोनली ने जो है वो उठाई थी। देन ये है ज्योमेट्री बॉक्स और इसकी प्राइस जो है वो 550 रुपीज़ है, ये गुलाम मोहम्मद ने उठाई थी। फिर ये है वाटर कूलर, ठीक है, स्ट्रा वाला है 975। ये बच्चों ने ज़िद की थी, बच्चों ने अपने जो है वो गला तोड़ा, उसमें से जो है वो इन लोगों ने अपनी शॉपिंग की, इस वजह से जो है ना वो मैंने भी इनको ले, क्योंकि बहुत ज़िद कर रहे थे। तो आप बताएं ये बाहर आप लोगों को 975 रुपीज़ की मिलेगी? कभी भी नहीं, ये बाहर बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिलेगी, ठीक है। और इस तरीके से उम्मे फरवा ने भी सेम चीज़ लेकिन कलर डिफरेंट 975 रुपीज़, मतलब 1000 रुपीज़ से सिर्फ 25 रुपये कम। और ये पेंसिल बॉक्स है 595 रुपीज़। तो इनके रेट काफ़ी हाई थे। मैं तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं करूँगी चेज़ वैल्यू वालों को, बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं करूँगी। 415 रुपये, जो कि ये आराम से 250 रुपये की बाहर मिलती है। और ये ग्लासेस 150 रुपीज़, ठीक है। और इनकी मैं ये बुक है, ये बुक मिली है, ये 325 रुपीज़ की थी, 325। ये है जी 150 रुपीज़, ये भी आ गया 150 रुपीज़, उम्मे फरवा की ग्लासेस, ठीक है। अब ये पाउच मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये है 95 रुपीज़ के कलर्स, ठीक है। अब ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ पाउच, ये मुझे बहुत ज़बरदस्त चीज़ लगी। 1 2 3 4, 4 ज़िपर पोर्शन इस तरीके से इनकी ज़िप्स हैं, तो इनमें अच्छा खासा स्पेस है, बहुत ज़बरदस्त स्पेस है। ये जो है ना गुलाम मोहम्मद को बहुत 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 पसंद आया था। इसकी प्राइस जो है वो टैग उतर गया है, ये 450 रुपीज़ का था या 550। एक मिनट मैं उम्मे फरमा का देखूँ, मैं फरमा आपका दिखाऊँ मुझे पाउच। ये है उम्मे फरवा का, उम्मे फरवा का है 2-3 ज़िपर पोर्शन है, तो ये 349 है, तो वो 450 का था, 470 या 450 रुपीज़, ये 4 ज़िपर जो है वो 470 रुपीज़ इस तरीके से। और ये 3 ज़िपर है जो है इस तरीके से, 3 ज़िपर है ये उम्मे फरवा का है, और ये जो है हमें मिला था 349 रुपीज़ का। ये 2 ज़िपर है जॉन अली का, इसे फ्री फायर गेम बहुत पसंद है इस वजह से ये लिया। और ये हम लोगों को मिला है 2 ज़िपर, आइया पहुँचा, ये मिला है 250 रुपीज़, ठीक है, 250 रुपये का ये 2 ज़िपर पोर्शन मिला है। ये जो उम्मे फरवा की कलरिंग पैड बुक है ना, ये कलरिंग पैड ये है, ये मैं आपको दिखाऊँ, ये मुझे अच्छा लगा काफ़ी। प्राइस भी इसकी जो है वो 135 रुपीज़ है, 135 रुपये। ये इस तरीके से पजल्स हैं, ये देखिए मैं सैम बीच बीच में से खोल रही हूँ, इस तरीके से पजल्स हैं, मुझे ये भी अच्छी लगी, ये इस तरीके से है। ये इसमें हम लोगों ने जो है वो ड्रीम फन ओरिजिनल गर्ल, ये वर्ड्स इसमें से फाइंड करने और उन्हें जो है वो सर्कल करना है। तो
तो ये बच्चों के लिए एक्टिविटीज ऐसी होनी चाहिए, जरूर ऐसी बुक्स लेनी चाहिए जो बच्चे एक्टिविटीज करें तो जो है ना उनके माइंड जो है वो तेज होते हैं, इससे ऐसी बुक्स जरूर लेनी चाहिए। कलरिंग की तो लेनी चाहिए, जैसे ये कलरिंग की बुक्स हैं, बच्चे कलर्स करते हैं, ये जरूर लेनी चाहिए, लेकिन साथ जो है ना इस तरीके से भी लेनी चाहिए बुक्स। एक उम्मीद फरमान इस तरीके से जंपिंग बॉल ली है और इस तरीके से बहुत शौक था ये जंपिंग, लेकिन इससे इसके ये 850 रुपीस की मिली थी, 850 रुपए की, लेकिन इसके साथ जो है वो हवा भरने वाला ऐसा कुछ भी नहीं उन लोगों ने दिया था। ये मैंने बहुत मुश्किलों से मैंने इसमें जो है ना वो हवा भरी है, कभी मुंह से भर रही हूँ, कभी कैसे भर रही हूँ, कभी वो साइकिल वाला जो उससे भरी थी, 850 रुपए का जस्ट बॉक्स में यही था, कुछ भी नहीं था। ठीक है, ये भी ये इनको बड़ी मजे की चीज लगी, सो मुझे भी ये चीज बहुत अच्छी लगी 850 रुपए में। बच्चों के पास भी है, कब इंदु के पास, कब किस। एक तो ये मैंने अपने लिए कुछ चीजें ली थी, ये मुझे कैचर बहुत पसंद आया था क्योंकि ये बाहर इस तरीके से जो है ना वो आम जाम नहीं चीजें मिलती हैं, तो ये चीज फैंसी में थी, अच्छी थी, तो ये मिला था। ये 150 का तो किसी और का टैग लगा हुआ है, ये मिला था 699 रुपीस। ठीक है जी, 699 रुपीस। ये बालों में लगा हुआ बहुत 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 प्यारा लगता है, और क्योंकि कहीं बाहर जाते हैं ना, शादी वगैरह किसी ओकेजन में जाते हैं, तो वो सिंपल कैचर वेयर किए हुए अच्छे नहीं लगते, तो हम कभी कभी हम लोगों को बाल जो है वो दिल चाहता है कि हम लोग ऊपर के बांध लें। एक ये था, ये मुझे मिला था 600 रुपीस का, ये भी बहुत जबरदस्त चीज है, ये वेयर किए हुए बहुत प्यारे लगते हैं। ये दोनों फैंसी कैचर हैं दोनों। ठीक है, और ये बाकी मैंने सिंपल कैचर भी लिए हैं, एक ये लिया है, एक ये लिया, और एक मैंने जो है वो ये कैचर लिया, ये सारे 150 रुपीस ईच के कैचर थे। और ये वॉच मैंने ली, काफी आर्टिकल ऐसे थे जो मैंने गिफ्ट के लिए भी लिए थे लेकिन वो मैं दे चुकी थी गिफ्ट, जैसे कि मैंने अपनी मदर इन लॉ के लिए जो है वो स्लीपर ली थी, मम्मा के लिए भी मैंने कैचर लिया था, मम्मा के लिए क्या लिया था, वाटर स्प्रे लिया था, और क्या लिया था, डैडी के लिए, मतलब सबके लिए कुछ ना कुछ लिया था ना। तो ये पता नहीं इसकी प्राइस मैं चेक करती हूँ। एक ये वॉच ली थी मैंने, ये वॉच मिली है 899 रुपीज की। ठीक है, एक ये जो पर्पल वॉच है, ये पर्पल वॉच, ये 900 मतलब ये 1000 रुपीज की वॉच है। ये इसी तरीके से एक येलो कलर में मैंने ली थी, वो थी मेरे मारवी के लिए ली थी मैंने, ये बॉल्स, ये आ गई बॉल, ये बॉल ली थी, एक ये अभी थी, नहीं है। ये किसकी है, ये जॉन ली थी बॉल है। ये मैंने ली है स्लीपर्स, ये उम्मीद फरमा की है, ये 499 रुपीज, जस्ट 500 रुपीज की, ये वर्सेची डिजाइन में ये स्लीपर्स हैं। और एक ये भी मुझे बहुत पसंद आई थी, ये 599 डेट में 600 रुपीज का ये पेयर मिला था, और ये पेयर मुझे मिला है 399, जस्ट 400 रुपीज, ये रिजनेबल प्राइस में मिली है। ये जो चीज है ना, एक दो तीन, ये तीनों मुझे बहुत रिजनेबल प्राइस में मिली हैं। और ये जॉनली, मुझे तो ये जॉनली के ये मैंने लिए हैं 995 रुपीस के ये। ठीक है, ये लिए, और मैंने अपने लिए जो लिया ये मुझे चीज़ बड़ी अच्छी लगी, ये मैंने अपने लिए लिए, ये हैं 1499 रुपीस, ये मुझे बहुत अच्छे लगे 1499। ये क्या है, ये क्या है, ये बताने क्या हो। ठीक है, ये मुझे बहुत अच्छे लगे इस तरीके से। ये काफी ऐसी चीजें जो मैं दे चुकी हूँ, उनकी वीडियोज ही मैंने बनाई, और काफी चीजें रीजनेबल हैं, काफी चीजें जो है वो बहुत हाई प्राइस में है, तो मैं रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं करती। हाँ, अगर स्लीपर्स वगैरह अगर आप लोगों ने लेने, अच्छी चीज लेनी है, अगर आपके पास पैसे ज्यादा हैं, लेकिन ये है कि कम बजट में अगर आप लोग शॉपिंग करना चाहते हैं तो मैं नहीं कहूंगी ये कम बजट में आप लोग चेस वैल्यू से शॉपिंग कर सकते हैं, कम बजट में आप लोग चेस वैल्यू से कभी भी शॉपिंग नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो ये मेरी सारी शॉपिंग है, मुझे सबसे बेस्ट चीज ये लगी है आपके, देखो ये
ये मेरा है। इसमें काफी स्पेस है, काफी बहुत स्पेस है। इसमें सब कुछ डाला है। फ्री फायर, फ्री फायर। ये जो है इसमें इतना सारा, ये देखें, इसमें गुलाम मोहम्मद ने सीजर, शॉर्पनर, पेंसिल, रबर इतना कुछ रखा है, फिर भी काफी स्पेस है। और इसमें जो है वो गुलाम मोहम्मद इतने सारे कलर्स रखे हैं, ये देखिए कितने सारे कलर्स हैं, फिर भी स्पेस है। और ये क्रेयॉन्स हैं, देन ये कलर्स जी, और ये इतने सारे कलर्स, फिर भी माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। इसमें और भी इतनी ही चीजें रखने का और भी स्पेस है। ये देखें, ये फुल ट्रेडिशनल, ये देखें इस तरीके से, ये ट्रेडिशनल कितनी जबरदस्त। ये जब हम पोर्ट ग्रैंड गए थे ना, कराची पोर्ट ग्रैंड गए थे, तो वहां से ये मैंने बाय किया था। $1 शॉप है, ₹250 ईच, मतलब जो भी चले वहां पे। मुझे ये चीज बहुत पसंद आई थी। इस तरीके से ये बास्केट है, ऑन करते हैं तो ये आते ही मैंने सबसे पहले इसमें मैंने जो ना चीजें मेरी उधर बिक्री पड़ी थी वो मैंने इसमें रख दी, और ये मुझे बहुत 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 ज्यादा अच्छी लगी बास्केट। तो इस तरीके से जो ट्रेडिशनल चीजें होती है ना, वो बहुत मुझे अट्रैक्ट करती हैं। आप लोगों में से किस किस को चीजें, ट्रेडिशनल चीजें अट्रैक्ट करती हैं, मुझे जरूर बताइएगा। वहां से एक मैंने पोर्ट ग्रैंड से $250 जो है $1 शॉप, वहां से मैंने एक जो है वो पिक टिश्यू रोल जो होता है वो भी मैंने लिया था। हम यहाँ से लेते हैं तो तकरीबन 750 रुपीज का मिलता है, तो ये अच्छा खासा पड़ रहा था, ये भी 250 रुपीज का मिल गया था। तो ये दोनों चीजें मैंने पोर्ट ग्रैंड से ली थी। सो ये थी मेरी आज की चेज़ वैल्यू की शॉपिंग, और जो एक्सपीरियंस था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप सो वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो कभी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे एक और नई ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।